सुमारा खान, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइस, कल है मेरा बर्थडे और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें कि मुझे कौन कौन विश करेगा कौन नहीं, और देखते हैं क्या प्लान्स बनेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि भाई के बर्थडे पे तो हम अलकुरेज गए थे। कल नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे हम लोग। बट मैं इस बार कहीं और जाऊँगी, कहीं अच्छी जगह, ठीक है। उसके बाद मैं अपना आउटफिट दिखाऊँगी कि कल मेरा बर्थडे का आउटफिट क्या होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अभी मैं नहा धो के फ्रेश होके एकदम आ चुकी हूँ, क्योंकि अभी रात का प्लान भी नहीं पता रात को क्या करना है हमको, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं क्या करूँगी, खाना खाने जा रही हूँ, क्योंकि नाश्ता वगैरह हो गया, पूरे घर की सफाई हो गई। हम करेंगे सबसे पहले खाना खाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता इतना हैवी नहीं किया था, नॉर्मल सी अपनी ग्रीन टी जो मेरा डेली रूटीन है वही। उसके बाद देखते हैं अभी खाने में क्या बना है, खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगी अपने मतलब व्लॉग में आगे लेकर चलूँगी कि क्या रहेगा क्या नहीं, पूरा रूटीन देखना। तो व्लॉग भी हमारा लास्ट तक देखिएगा, जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, वापस आइए, मैंने अभी ये चीज़ नोटिस करी कि पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी, क्योंकि मम्मी कुछ काम कर रही थी, तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा। कभी कमेंट में आप लोग करें पीछे से आवाज़ आ रही है, ठीक है जी, उसको अवॉइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। क्या है ये? चिकन के। तो गाइस देखिए, खाने में क्या बना है, खाने में बने थे हमारे चिकन के कोफ्ते, और इतने टेस्टी लगते हैं ना मुझे तो, इतने मज़ेदार के, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कोफ्ते। आप बताइएगा कि आपको चिकन के पसंद है या किसी और चीज़ के, ठीक है। तो खाना भी हमारा ये बन रहा था, ये खाएंगे उसके बाद चलते हैं आपको आगे लेकर। आहा, गरम गरम कोफ्ते, काजू भी है इसमें। आपको पता है जब इंसान को ज्यादा भूख लग रही हो ना, तो उसे खाना और भी ज्यादा टेस्टी लगता है, तो मेरे साथ वही हुआ था, मुझे डबल टेस्ट आ रहा था इनमें। जोई क्या है इसके नीचे? इन दोनों को पता नहीं फ्रिज के नीचे ऐसा क्या दिख गया जो इतने पागल हो रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था छोटा सा कोई कीड़ा है जो बिल्कुल दोनों देखे जा रहे थे, उसको कुछ भी दिख जाएगा मार के छोड़ते हैं। देखना जोई का कितनी परेशान हो रही। जोई कट गया, अब उसे मार के थक हार के सो गई, और आज हमने इसको नहलाया भी था। वो वीडियो गाइस मेरे फोन में पता नहीं क्यों नहीं चल रही, इतना ट्राई कर रही हूँ उस वीडियो को चलाने की, वो चल नहीं रही है। और ये वाला जो व्लॉग है ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मेरे साथ इस व्लॉग में क्या प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो अभी तो ये सो गया है यहाँ पर। उसके बाद फिर जो ना खाना वगैरह खा के मैं चली गई थी नीचे साइकिल का एक राउंड लेने के लिए, क्योंकि भाई ने अभी न्यू साइकिल ली है, तो मैंने सोचा यार मैं भी एक बार चला कर देखती हूँ। तो उसके बाद जब हम ऊपर आए तो निदा सना, मैंने सोचा कि चलो हम लोग ना चाउमीन या नूडल्स वगैरह कुछ बनाते हैं। तो पता है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना अपने लिए, वैसे ही जो ना मैं उनके घर पे आज उनके लिए बना रही थी। तो थोड़ा बहुत सामान जो मैं खुद डालती हूँ अपने, उनको आज बनाकर खिला रही थी। मैंने कहा था आज तो मेरे हाथ का खाना, तो मैं नहीं डालती सोयाबीन, बट निदा ने बोला था कि उसको अच्छे लगते हैं सोयाबीन डालकर, तो फिर मैंने कहा निदा दी कुक से जा करिए एक तो तो ये देखिए बनके रेडी हो गई है हमारी चाउमीन, और इतनी टेस्टी, मतलब जितनी देखने में लग रही है ना उससे कई ज्यादा खाने में लग रही थी, बहुत मजेदार बनी थी, एकदम चटपटी। मैंने बहुत स्पाइसी बनाई थी सबके लिए, बहुत पसंद आई थी सबको, आंटी अंकल को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, मैंने मम्मी को भी दी थी थोड़ी सी इसमें से, तो बहुत अच्छी बनी थी सच में। कैसी बनी बता तो सही, बहुत अच्छी बनी है ना, अच्छी बनी है, अच्छी बनी नहीं था बता, बहुत बढ़िया। अब जब मैं वापस घर आई तो पता लगा ये जनाब किसी से यहाँ पे बैठे हुए नैन लड़ा रहे हैं, तो ये ऊपर वाली बिल्ली थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, हमको इतना मतलब वो हो रहा था, हमें ताज्जुब कि ये आई कहाँ से, ऊपर से बिल्कुल भी जगह नहीं है आने की, और ये आकर ऐसे झांक रही थी यहाँ पर। तो ये दोनों ना आपस में देख के गुर्रा रहे, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इसको देखो कितना परेशान हो गया कि कहाँ से आ गई बिल्ली। तो मैंने इसको रिकॉर्ड करा था दिखाने के लिए, बहुत ही क्यूट लगता है ये सिम्बा,
उसके बाजी हो गई थी रात और आ गया था मेरा केक। दो केक लेकर आए थे पापा, एक चॉकलेट फ्लेवर था और एक ये वाला फ्लेवर, मुझे ध्यान नहीं है बट टेस्टी था। ठीक है गाइज, और जो मैंने अभी आपको सिम्बा वाली वीडियो दिखाई थी ना, तो ये दोपहर की वीडियो थी, मैंने बाद में ऐड करी है, तो आप ये मत समझना कि पहले रात में दिखाई उसके बाद दिन की। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरी फ्रेंड जिक्रा ने मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बजे ही ये पेस्ट्रीज भेजी थी और इतनी टेस्टी पेस्ट्रीज, मुझे बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच जिक्रा। और उसके बाद हमने केक भी कट करा था, और जैसे मैंने आपको भाई के बर्थडे व्लॉग में दिखाया था ना, पूरा फुल सेटअप करके किस तरीके से मैं लगाती हूँ, उसी तरीके से मैंने अपना भी लगाया था। तो सबसे पहले आपको मैं अपनी केक कट की वीडियो दिखाती हूँ। सिम्बा विश तो कर दो मुझे। देन हम लोगों ने फोटोज वगैरह क्लिक करे, वीडियोस क्लिक करी, बिल्कुल ट्राइपॉड लगा के मैंने इतने अच्छे अच्छे फोटोज एंड वीडियोस रिकॉर्ड करे थे गाइस। उसके बाद हमने जो ना केक वगैरह खा लिया था, और मैं आपको दिखा दूं, मैंने ना आज पान भी खाया था, मैंने पान मंगवा लिया था। जी मैं हो गई हूँ रेडी, हमारा प्लान बना है बाहर जाने का। बाहर ही हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट है दिल्ली दरबार के नाम से, मैं पहले भी गई हुई हूँ, इस वजह से मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कहाँ जाए, बट मैंने बोला चलो कोई नहीं वहाँ ही चलते हैं। और देखिए हम लोग आ गए हैं, ये है हमारा दिल्ली दरबार, और कितना प्यारा डेकोरेशन हुआ हुआ है। आप डेकोरेशन देखिए, ये ऐसा नहीं कि किसी फेस्टिवल या फिर किसी ओकेजन वगैरह पर डेकोरेट होता है, नहीं, ये 24 आवर आप जाओगे तो ये ऐसे ही रहेगा, मुझे इसलिए ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम लोग अंदर आ गए थे, और ये फ्लोर वाइज बना हुआ है गाइज, ये देखें इस तरीके से फ्लोर वाइज है। यहाँ पे ना टेरेस पर जाकर भी लंच और डिनर वगैरह करते हैं, वहां पर भी है, बट हम लोग सेकंड फ्लोर पर ही बैठ गए थे क्योंकि रात पे इतना कुछ क्राउड भी नहीं था, इसलिए हम यहीं बैठ गए थे गाइज। और हमने ना ऑर्डर करा जो हमको ऑर्डर करना था। हुमाम भाई इधर देखो। हाँ भाई, मम्मी ये और जी देखिए फाइनली आ गई हमारी प्लेटर, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर करी थी। तू आ गया क्या?
ये प्लेटर मैंने अपने लिए किया था ऑर्डर, क्योंकि मैं इतना नॉनवेज खा के थक गई थी। मेरा आज पता नहीं क्यों वेज खाने का दिल कर रहा था। इसके अंदर दाल मखनी, पनीर की सब्जी, फ्राइड राइस थे और बहुत सारी चीज़ें थी, पापड़ भी दिया था। ये मम्मी ने अपने लिए ऑर्डर किया था, ये दही बल्ले उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस पता है मैंने सोचा था कुछ टाइम से मैं डाइट करूँगी, बट मैंने सोचा कि यार आज मेरा बर्थडे है तो डाइट तो मैं बाद में भी कभी कर सकती हूँ, आज पेट भर के खूब खाना खाऊंगी। क्या बात है सर, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो जी मैंने मंगाया था व्हाइट सॉस पास्ता और ये इतना टेस्टी, इतना क्रीमी था ना, इतना क्रीमी। मैंने यार पता नहीं क्यों मुझसे देख के कंट्रोल नहीं हो पाता और मैं इतना खाना, ये क्रीम और चीज़ वगैरह मंगवा लेती हूँ। बट मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझको डाइट करनी है। आज के लिए मैंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, बट आगे जा के मैं ज़रूर करूँगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कैसा है व्हाइट सॉस पास्ता? कैसा है मम भाई, कैसा है व्हाइट सॉस पास्ता? गाइस एक चीज और बताती हूँ, हमारे ही बराबर में बिल्कुल एक फैमिली आई हुई थी, वो ना एक सरप्राइज पार्टी दे रही थी, उसका भी बर्थडे आज ही था मेरे साथ ही। तो यार मेरे को इतना मतलब दिल करता है ना कि कोई मेरे को भी इसी तरीके से सरप्राइज पार्टी दे। तो यार प्लीज, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उनको आज हिंट दे रही हूँ, कभी मुझे भी ऐसे सरप्राइज प्लान करके दे दो यार पार्टी। कोई तरीका है भीख मांगने का? चलिए अब बताती हूँ मैं आपको अपनी प्रॉब्लम की। इस व्लॉग में मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो गाइज ये मेरा बहुत पहले एडिट हो गया था, बट मुझे नहीं पता मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही थी या इस ऐप में प्रॉब्लम आ रही थी जिससे मैं एडिट करती हूँ, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। और पूरा मैंने इतने अच्छे से एडिट करा था, इतना टाइम लगा के, इतनी मेहनत लगा कर, वो डाउनलोड नहीं हो रहा। मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा था कि आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैंने इतनी कोशिश करी, मैक्सिमम 25 टाइम मैंने इसको डाउनलोड करने की कोशिश करी, बट वो नहीं। बाद मुझे रोना आया, मतलब इतनी मेहनत के बाद फिर मेरे को वो क्लियर करना पड़ा। पूरा व्लॉग मेरा डिलीट हो गया, पूरा एडिट हुआ। यही बोलूंगी, आपका एक सब्सक्राइबर बहुत वैल्यू रखता है मेरे लिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है गाइस, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।